सो गाइज, मेरा नाम आसिफ और आप देख रहे हैं एमएच टेक्निकल यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज आपके इस वीडियो में कैसे आपके बारे में बताऊंगा जिससे आप 10 रुपीज़ इंस्टेंट अपने पेटीएम वॉलेट में ऐड कर सकते हैं। और गाइज, इस वीडियो को पूरी देखना ताकि आपको कोई भी प्रोसीजर में कोई भी दिक्कत ना हो। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है, आप मुझे पर्सनली ईमेल पे आप मैसेज कर सकते हैं या कमेंट करके आप जरिए मुझे बता सकते हैं। और टैक्स से रिलेटेड, अर्निंग से रिलेटेड अदर वीडियो देखने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। एक आपको एक ऐप डाउनलोड करने पड़ेगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही दे दूंगा और इसका नाम है पॉकेट। आपको सीधा प्ले स्टोर पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद नीचे वेरीफाई और मोबाइल नंबर पर क्लिक कर देना। अगर आपके ड्यूअल सिम है तो आपको मैन्युअली सेलेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो ऑटोमेटिक आपके मैसेज से सेंड आपके फ़ोन से मैसेज सेंड हो जाएगा और OTP आने का वेट करना पड़ेगा, जैसे मैं कर रहा हूँ। जैसे कि मेरा OTP आ गया, मैं डन पे क्लिक कर दूंगा। डन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर फाइल जो अपनी क्रिएट करनी पड़ेगी अकाउंट के लिए। मैं जल्दी अपने ईमेल जो प्रोफाइल है वो क्रिएट कर लेता हूँ। क्रिएट करने के बाद इधर आप जो डेट ऑफ बर्थ है वो अपने एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ डालें, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ का बहुत बड़ा रोल है। तो मैं इधर एक्चुअली अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल लेता हूँ। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आप आधार कार्ड, टेंशन मत लीजिए, आपको फेक आधार कार्ड डालना है। आपने 12 डिजिट का नंबर कोई भी क्रिएट करना है, जैसे मैं रैंडमली करेक्ट कर रहा हूँ, ये देखिए। उसके बाद हाँ, आपको यहाँ प्रोमो कोड है जो वो अपने ऑप्शनल डालना है, जैसे कि आप देख सकते हैं POC008032। प्रोफाइल पर क्लिक कर देना है। क्रिएट प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद आपको भी कोई भी रैंडम 4 पिन सेलेक्ट कर देना है 2 बारी। उसके बाद कंफर्म पे ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप इसको स्किप कर सकते हैं, जैसे मैं स्किप कर रहा हूँ। स्किप करने के बाद आपके क्रेडिट कार्ड वॉलेट में वर्चुअल जो क्रेडिट कार्ड है उसमें 10 रुपीज़ ऐड हो जाएंगे। ये देखिए गाइज, इस 10 रुपीज़ को मैं आपको पेटीएम वॉलेट में आपके ऐड करा के दिखाऊंगा। तो सिंपली आपने अपना पेटीएम वॉलेट ओपन कर लेना है। उससे पहले आपको ये क्रेडिट कार्ड डिटेल्स वगैरह जो है वो जो चाहिए वो कॉपी कर लेनी है। यहाँ से आप कॉपी क्रेडिट कार्ड नंबर भी डिटेल भी कर सकते हैं। उसके बाद क्लिक करने के बाद आपको सिंपली अपने पेटीएम वॉलेट को ओपन कर लेना है। पेटीएम वॉलेट को ओपन करने के बाद आपने ऐड मनी पे क्लिक कर देना है। ऐड मनी पे क्लिक करने के बाद आपको 10 रुपीज़ ऐड कर लेने हैं, जैसे मैं 10 रुपीज़ ऐड करूँ, 10 रुपीज़ ऐड करने के बाद आपको थोड़ा वेट करना है। उसके बाद यहाँ नीचे सेकेंड लाइन पे क्रेडिट कार्ड पे क्लिक करना है। कार्ड वगैरह डिटेल आपने एंटर कर देनी है। उसके बाद COV कोड भी आपने डाल देना है, जैसे मैं डाल रहा हूँ। इधर डालने के बाद पे नाउ पे क्लिक कर देना है। पे नाउ पे क्लिक करने में थोड़ा प्रोसेसिंग होगा, थोड़ा वेट कर लेते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ। वेट करने के बाद आपने स्किप या बैक पे ऑप्शन पे कोई क्लिक नहीं करना है। उसके बाद आपके आर्डर डिटेल में आपको वैलिड फॉर्म, अगर आपने आज की डेट बनाई हुई तो आपको अक्टूबर यानी कि 10 और यहाँ ईयर 2018 इसकी जगह डाल के, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ ये अपने मस्ट अपने डालना ही डालना है अच्छी तरह, नहीं तो आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो ब्लॉक कर देंगे। तो सिंपली अब मैं डेट ऑफ बर्थ डाल लेता हूँ जो एक्चुअली मैंने वहाँ डाली थी। उसके बाद रजिस्टर पे क्लिक कर देता हूँ। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद फर्स्ट ऑप्शन मोबाइल नंबर पर क्लिक करना है। मैंने क्लिक करने के बाद आपके फ़ोन नंबर पर OTP आएगा, उसको आपने डाल देना है। उसके बाद कोई भी अपने 6 डिजिट का पिन अपना क्रिएट कर लेना है। क्रिएट करने के बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद जो आपके 10 रुपीज़ है वो आपके पेटीएम वॉलेट में ऐड हो जाएंगे। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। वेट करने के बाद ये देखिए, जो मेरा 10 रुपीज़ वॉलेट है वो मेरे पेटीएम के वॉलेट में ऐड हो चुका है। आपको मैं पेटीएम ओपन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, जो मेरा 10 रुपीज़ वॉलेट है वो मेरे ऐड हो गया सक्सेसफुल। यहाँ टाइम भी देख सकते हैं, 9:27 ऊपर भी टाइम देख सकते हैं, 9:28। तो गाइस देख सकते हैं पूरी सक्सेसफुली जो ऐड हो चुके हैं। ये देखिए, जैसे मेरे पॉकेट का वॉलेट है उसमें 0 रुपये ऐड हो गया। हर नंबर आप 10-10 रुपये ले सकते हैं। इस पर रेफर अर्न का भी सिस्टम है। आप अपने रेफर कोड अपने दोस्तों के साथ सेंड करके आप अर्न कर सकते हैं up to 100 रुपीज़। और आप हर नंबर पे ये कर सकते हैं और करने के बाद 10-10 रुपये अपने पेटीएम वॉलेट में ऐड कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ गाइस लाइक कीजिएगा और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कीजिएगा। चलिए मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।